गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों हम जो चैप्टर कर रहे हैं शेप्स एंड एंगल क्लास फिफ्थ के लिए उसी को आज कंटिन्यू करते हैं हम उसका आगे का जो है सब टॉपिक पढ़ेंगे डिग्री क्लॉक देखिए कल जो हमने मैंने आपको बताया था कि माचिस की तीलियों से जैसे आपकी बुक है ना उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से देखिए तीलियों को अगर हम थोड़ा भी हिला देते हैं तो एक एंगल अगर हम हिलाएंगे तो कितनी ज़्यादा शेप जो है वो चेंज हो जाती है उसी को आज कंटिन्यू करते हैं हमें क्लॉक जो घड़ी होती, होती है उसमें जो सुइयाँ होती हैं ना उसमें जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के लिए टॉपिक है शुरू करते हैं देखो मैंने आपको एक क्लॉक बना के दिखाई हुई है देखो बेटा इसमें आप क्लॉक अपनी घड़ी में भी अपने घर में भी देखी होगी वन टू थ्री करके मैं इसमें मैंने सुइयाँ मेंशन नहीं की हैं मैं आपको बता पहले लिख के फिर मैंने दूसरी घड़ी में जो है वो सुइयाँ जो है नीडल्स जो है आपको दिखाई हुई हैं देखो टू हैंड्स होते हैं घड़ी में इस तरह से वन टू थ्री आपको मैंने ये दिखाया घड़ी किस तरह से बनानी है आपने गोल बनाना है ऊपर वन और नीचे वन ट्वेल्व और सिक्स जो है बिल्कुल जो है आमने सामने आने चाहिए थ्री और नाइन भी आमने सामने इस तरह से आपका क्लॉक जो है ठीक बनेगा अब देखिए टू हैंड्स होते हैं उसमें एक होता आर हैंड एच ओ यू आर और हैंड दूसरा एम आई एन यू टी मिनट हैंड एक और हैंड होती है सेकेंड हैंड वो मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ तो हम कंटिन्यू करते हैं अब देखिए थी अब जो है आपको टाइम अगर आपको आता हो देखना नहीं भी आता हो तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा जब छोटी सुई जब थ्री आ, किसी भी नंबर पे होती है और बड़ी निडल यानी कि मिनट हैंड जब भी होती है कहीं पे देखो मैंने यहाँ पे आपको आवर हैंड छोटी सुई मैंने एरो ये छोटा क्यों किया हुआ है क्योंकि आवर हैंड जो होता है उससे छोटी सुई को आवर हैंड यानी घंटे की सुई अब मिनट हैंड जो है मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहती हूँ जो बड़ी सुई होती है उससे हम मिनट हैंड कहते हैं अब देखिए अब छोटी सुई जो है तीन पे है और बड़ी सुई जो है बारह पर है तो कितना टाइम हो गया है थ्री ओ हो गए हैं तो इसमें जो है इस टाइम थ्री ओ हो गए हैं तो इसमें कितना डिग्री है इसमें जो है थ्री ओ टाइम दिखाया हुआ और एंगल जो इसमें बन रहा है नाइन्टी डिग्री जो नाइन्टी जो मैंने ऊपर छोटा सा ज़ीरो डाला हुआ है नाइन्टी के ऊपर इसको हम डिग्री कहते हैं तो कितना टाइम है हो रहा है इस टाइम थ्री ओ है तो एंगल जो बन रहा है वो देखो यहाँ पे मैंने अलग से देखो दो सुइयों का एंगल बना के दिखाया हुआ आपको तो नाइन्टी डिग्री बन रहा है नीचे आइए देखिए अब है अगेन नाइन्टी डिग्री कब बनता है जब नाइन ओ क्लाक हो रहा जो है तो नाइन ऊपर ट्वेल्व है ना तो यहाँ पर टाइम जो हो रहा है नाइन ओ क्लाक हो रहा है जब छोटी सुई किसी भी नंबर पे होती है और बड़ी सुई जब ट्वेल्व पे होती है उसी का जो है घंटा चल रहा उसी का मतलब उतना ही टाइम होता है जैसे इस टाइम जो नौ बजे हुए हैं इस घड़ी में तो नाइन ओ क्लाक है देखो मैंने नाइन ओ क्लॉक लिखा हुआ है तो नाइन्टी डिग्री एंगल इज़ कार्ड नाइन्टी डिग्री एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं अब इसमें घड़ी जो है कितनी बार नाइन्टी डिग्री बना रही है तीन बजे थ्री ओ क्लाक और नाइन ओ क्लाक में अपनी बुक में जो है आपको देख लेना आप वहाँ पर जहाँ पर डिग्री क्लॉक क्लॉक लिखा हुआ है वहाँ पे ये क्वेश्चन है घड़ी जो है कितनी बार थर्टी और ये नाइन नाइन्टी डिग्री इनके राइट एंगल बनाती है मैंने आपको बुक से अलग से इस पर इस, इस तरह से समझाया ताकि आपको जो है ये कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए और लेस देन जो है वो नाइन्टी डिग्री को हम एक्यूट एंगल कहते हैं और ग्रेटर देन जो होता है उसे ऑब्टूस कहते हैं तो अगेन जो है रिपीट करते हुए हम पढ़ेंगे तो आवर हैंड होती है एक एक मिनट हैंड होती है घड़ी में तो नाइन्टी डिग्री का बनता है जब सीधा जब एक सुई थ्री पे और अगेन जो ट्वेल्व पे होगी दूसरी सुई तो जब इस तरह से सीधा जब एंगल जब मैंने आपको देखो शेप भी बना के दिखा हुआ है नाइन्टी डिग्री का एल टाइप एल टाइप जब बनता है ना उल्टा एल जो दिख रहा है आपको इसी तरह से नाइन्टी डिग्री होता है ये मैंने आज आपको राइट एंगल समझाने के लिए इस तरह से किया है आज के लिए बच्चों इतना ही थैंक यू हैव ए नाइस डे